एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली दिवाली की माइंडलेस ईटिंग के बाद एक बार फिर से मैंने फॉलो करी रुजुता दिवेकर्स टिप्स, जिससे मुझे हमेशा बहुत फ़ायदा होता है। मैंने बहुत बार पहले भी इस रूटीन को फॉलो किया है और ट्रस्ट मी, इट वर्क्स एज वंडर ऑन मी। सो आज मैं पूरी डिटेल्स आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। अभी पिछले 4-5 दिन से मैं इस रूटीन को फॉलो कर रही हूँ। सो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ आजकल और मैं कैसे बना रही हूँ। आई होप अगर आप भी ब्लोटिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं सो इससे आपको हेल्प मिले। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो दिन की शुरुआत पानी से करनी चाहिए, मतलब सब यही एडवाइस करते हैं, बट ब्लोटिंग और एसिडिटी में ख़ास तौर से पानी बहुत ही ज़्यादा मैजिकल रोल प्ले करता है। सो मैंने भी वही किया। सच बताऊँ तो नॉर्मली मैं मॉर्निंग में आधा से एक ग्लास पानी पीती हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत स्ट्रिक्टली रिलीजियसली इस रूटीन को फॉलो कर रही हूँ। सो मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ पूरे 2 ग्लास पानी के साथ में। इससे मुझे उठते ही भूख भी नहीं लगती है और 1-2 घंटे मेरे और आराम से निकल जाते हैं। इसके बाद अराउंड 7:30 मॉर्निंग में मैं बच्चों को स्कूल से ड्रॉप करके घर आती हूँ और फिर मैं अपना सबसे पहला मील लेती हूँ, विच इंक्लूड्स रोज़ वाटर और उसके साथ में कुछ सोक्ड नट्स। गुड मॉर्निंग। फाइनली आराम से बैठ के अब ये पानी पीते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। दिस इज व्हाट इवन रुजुता हाइलाइटेड, कि अगर हम कुछ भी चीज़ करते हैं, मतलब आप खिचड़ी भी खा रहे हो या आप कोई स्मूदी भी ले रहे हो, कोई भी डाइट कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग टू गेट सम रिजल्ट, उसको इंजॉय करके करेंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वरना क्या, रिजल्ट आए ना आए, बट वो एक स्ट्रेस अननेसेसरीली बिल्टअप होता है और उस स्ट्रेस की वजह से हम जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें आता नहीं है। सो इसीलिए मैं भी बिना कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट किए इंजॉय करते हुए इस पानी को यहाँ पे पीऊँगी। अब नाउ सिंस मैंने एकदम फ्रेश लीव्स यूज़ करी हैं तो 15 मिनट में या 20 मिनट में उसका रोज़ फ्लेवर डेफिनेटली इस पानी में नहीं जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली सिंपल प्लेन वाटर और मैं इस रोज़ पेटल को च्यू करूँगी जहाँ पे मुझे रोज़ का फ्लेवर आता है। लेकिन इसकी जगह अगर मैंने गुलकंद यूज़ किया होता तो उसमें थोड़ा सा स्वीटनेस होती है और उसमें रोज़ का फ्लेवर डेफिनेटली होता है। तो अगर गुलकंद में मिक्स करेंगे तो पानी में भी रोज़ वाटर वाला टेस्ट आएगा। बट कोई बात नहीं, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। अभी मेरे पास गुलकंद ख़त्म हो चुका है तो सिंपल रोज़ पेटल्स इक्वली काम करते हैं। सो मैं आराम से एज आई सेड इस पानी को पीऊँगी, इन पेटल्स को च्यू करूँगी और मीनवाइल जो मेरे ये सोक्ड ड्राई फ्रूट्स रखे हैं इसको मैं पील करूँगी। बाय द वे, ड्राई फ्रूट्स में मेरे को अखरोट और अंजीर का कॉम्बिनेशन और बादाम और मुनक्के का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। आपके भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन अगर हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट मील मेरी होती है ब्रेकफास्ट। लगभग 10 बजे के आसपास मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, लेकिन उसकी तैयारी मैं थोड़ा आधा घंटा पहले करके रख दूँगी। ब्रेकफास्ट में मैं आजकल खा रही हूँ दही पोहा, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। जितना पोहा खाना है उसको अच्छे से रनिंग वाटर में मैं धो लूँगी, उसमें जितना भी गंदगी है वो पूरा जब निकल जाता है तो अच्छे से वॉश करने के बाद में मैं उसको स्ट्रेनर पे छोड़ दूँगी ताकि जो एक्सेस वाटर वो निकल जाए। फिर मैं उसमें ऐड करती हूँ थोड़ा दही, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा, अच्छी सी कुटी हुई हरी मिर्च और इन सबको मिक्स करके मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि पोहा आराम से दही में गल जाएगा। मेरा ब्रेकफास्ट एकदम रेडी है। मेरा पोहा दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा सा बोल है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत हैवी होता है और बहुत लॉन्ग मतलब बहुत फिलिंग होता है। लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं, हाँ बहुत फिलिंग होता है। आपको बहुत देर तक ऐसा लगेगा कि भूख नहीं लग रही है और मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया ये, क्योंकि इसमें जो काला नमक है और जो भुना हुआ जीरा है और मिर्ची है और दही है, सिर्फ 4 चीज़ें हैं। मतलब पोहा तो डेफिनेटली है, इट इज़ गिविंग दैट चाट फ्लेवर। मतलब इसमें आप बस पापड़ी, जो पापड़ी चाट की पापड़ी होती है उसका मैंने बस पोहे से रिप्लेस कर दिया। इट इज़ रियली गिविंग दैट फ्लेवर। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, बट आप अगर दही नहीं पसंद करते और अगर आपको ये रेसिपी ट्राई करनी है तो यू प्रोबेबली विल नॉट लाइक द फ्लेवर, बट ट्रस्ट मी दही ज़रूरी है अगर ब्लोटिंग पे काम करना है। उसमें जो प्रोबायोटिक्स होते हैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने तो ब्रेकफास्ट में भी दही लिया है, लंच में भी मैं दही लूँगी। सो इट इज़ रियली वेरी गुड। सो 1-2 दिन के लिए अगर स्ट्रगल कर रहे हैं ब्लोटिंग से तो गिव इट अ ट्राई, इट विल श्योरली हेल्प यू। और मैं अभी इसको एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट मील पे, देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। बट स्टे ट्यून्ड।
इसके बाद में अप्रॉक्सीमेटली 12:30 बजे मैं लेती हूँ अपनी मिड मील, जहाँ पे आज मैं ले रही हूँ एक कुकुम्बर, बट यहाँ पे मैंने थोड़ी वेरिएशन रखी है, कभी कोकोनट वाटर मैंने पिया है, कभी कोई भी सीजनल फ्रूट पपाया जैसे मैंने खाया है, ऑरेंजेस मैंने इस टाइम पे खाए हैं, बट आज मैं कुकुम्बर खाऊंगी। कुकुम्बर में अगेन बहुत ज़्यादा वाटर होता है, लाइक 90% वाटर ही होता है, सो बहुत अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी फिलिंग लगता है, बहुत देर तक इसके बाद भी 1-2 घंटे तक भूख नहीं लगती है। सो मैं आराम से अपना ऑफिस का काम करते करते अभी कुकुम्बर को फिनिश करूँगी, बट हाँ ये थी मेरी नेक्स्ट मील जो मैंने खाई है अपने इस रूटीन के दौरान। इसके बाद मैं लंच करती हूँ अप्रॉक्सीमेटली 2:30 से 3 PM के बीच में, जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं हम साथ में लंच करते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देने की है वो है ये दही, ये बहुत नॉर्मल दही नहीं है, इसमें मैंने सेट करते वक्त किशमिश डाली थी, तो किशमिश जब साथ में सोक होती है ओवरनाइट, उसकी वजह से जो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत हेल्दी है और बहुत इफेक्टिव है ब्लोटिंग को कम करने में, उसका ज़रूर आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो मील है वो एकदम सिंपल स्टैंडर्ड सब्जी रोटी वाली मील है, दाल चावल भी यहाँ पर ले सकते हैं, और साथ में बनाना जो रुजुता ने बहुत हाईलाइट किया था वो मैं फॉलो कर रही हूँ आजकल। आफ्टर मील इस रोटी सब्जी दही को फिनिश करने के बाद में मैं इस बनाना को फिनिश करूँगी, आधे से एक बनाना यहाँ पे ले सकते हैं, बट हाँ ये एक नॉर्मल लंच है जो मैं बच्चों के साथ बातें करते करते उनका पूरा दिन का रूटीन सुनते सुनते आराम से फिनिश करूँगी। सो ये है मेरी नेक्स्ट मील। लंच के अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे के बाद में मैं करती हूँ कुछ योगा आसन, जो अगेन रुजुता जी ने ही हाईलाइट किए हैं, एसिडिटी ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन ऐसी तीनों पेट की जो प्रॉब्लम्स हैं उन तीनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आपको कि मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, बट ये आसन कैसे करने हैं, इनकी डिटेल्स या किस केस में ये आपको नहीं करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप पीरियड्स में हैं अभी तो आप ये आसन नहीं करेंगे, ये उन्होंने अपने वीडियो में हाईलाइट किया है। सो आप एक बार अगर मेरे से मोटिवेट हो रहे हैं तो उनके वीडियो को एक बार ज़रूर डिटेल में देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उन्होंने 3 आसन बताए थे, तीनों मैंने यहाँ पर किए हैं। इस प्रैक्टिस को, इस आसन को करने में मुझे लगता है 20 से 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, बट बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है। डेफिनेटली अगर लंच के बाद में हैवी फील हो रहा है तो थोड़ा और वेट कर सकते हैं, बट मुझे 2 आवर्स के बाद में काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। सो इसीलिए मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 4:30 और 5 के आसपास इन एक्सरसाइजेस को करती हूँ आजकल। पोस्ट लंच ये एक्सरसाइजेस करना इसलिए एडवाइजेबल है बिकॉज ब्लोटिंग जैसी जो प्रॉब्लम होती है ना वो नॉर्मली बहुत सारे लोगों को, अधिकतर लोगों को इवनिंग की तरफ बढ़ने लगती है। ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में हम बहुत लाइट फील कर रहे हैं बट जैसे जैसे हम दिन में अपनी मील्स लेते हैं हम ब्लोटेड फील करने लगते हैं, इसलिए इसको आफ्टर लंच और बिफोर डिनर करना है। ये रुचिता ने बहुत क्लियरली हाईलाइट किया है, सो आई ऑल्सो फॉलो द सेम, बट जैसे मैंने कहा उनके वीडियोज़ को देखिए, आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आपको उससे डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे। अब चलते हैं डिनर की तरफ। डिनर में मैं आजकल 2 चीज़ें खा रही हूँ जैसे रुजुता ने सजेस्ट किया है, या तो राइस पेज या फिर कांजी। आज मैं बनाऊंगी राइस पेज। राइस पेज को बनाने के लिए मैंने लिया है 1/4 कटोरी राइस, उसमें 3 कटोरी पानी, थोड़ा सा नमक और बहुत ज़्यादा उसको मैंने विसल लगाई है कुकर में। जब वो एकदम सूपी रेडी हो जाता है उसमें मैं ऐड करती हूँ ऊपर से घी और टड़ा सूप इज़ रेडी। इट इज़ नथिंग बट राइस सूप, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, छोटे बच्चों को दिया जाता है बिल्कुल वही ये चीज़ है। अब अप्रॉक्सीमेटली 5:30 से 6 के बीच में मैं अपना डिनर कर लूँगी। मैं रिलीजियसली इंटरमीडियंट फास्टिंग फॉलो करती हूँ, 12 घंटे का फास्ट तो डेफिनेटली करती हूँ। आप अगर इंटरमीडियंट नहीं करते हैं तो इस टाइम पे आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं और बाद में डिनर में सेम आप भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप इस सब से आपको कुछ बेनिफिट मिले। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय।